चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से प्रश्न किया है, कह राय साथ में रखे, मतलब है जीवन का लक्ष्य क्या है और जीवन का साधन क्या है। उन्होंने जब दोनों प्रश्न किया, उन्होंने वर्ण और आश्रम, अगर कोई जथा जिस वर्ण में जिस आश्रम में जन्म ग्रहण किया, अगर उसको कोई सही सही पालन करता है तो इसको द्वारा ही भगवान की प्रति भक्ति होता है, भगवान का प्रति प्रेम होता है। लेकिन महाप्रभु ने इसको बोल दिया, ये वाक्य है आगे कब आए, इसको आगे की बात बताओ, ये बाहर का बात है। तो राय रामानंद बोले, राहे कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्य साध, मतलब है हम जो कुछ करते हैं, जत करोसी जत स्नासी कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जत करोसी तुम जो कुछ करते हो, जत अस्नासी जो कुछ ग्रहण करते हो, दस जदा ददासी तुम जो कुछ देते हो, हैं क्या करो, तत्पुरुषम मदर्पणम वो सारी चीज मुझे अर्पण कर दो। लेकिन जब उन्होंने ये बात बताए, महाप्रभु बोले ये भी बाहर का विषय, इसलिए उसको और आगे तुम बताओ। अभी प्रश्न है, अरे महाप्रभु क्यों बोले ये बाहर का वस्तु है, इसका रहस्य क्या? तो इसी विषय पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं, यहाँ पर बताए जो वर्ण और आश्रम धर्म को पालन करने पर विष्णु की प्रसन्नता तो होती है, लेकिन वो पूर्ण रूप में भगवान की प्रसन्न नहीं होता। वर्ण आश्रम जाजन करने से क्या तुम कहाँ जा सकते हो, बोले ब्रह्मलोक तक जा सकते हो। सौ जन्म अगर साधन करोगे, अपना वर्ण आश्रम धर्म का पालन करोगे, तुम ब्रह्मलोक तक जा सकते हो। लेकिन वो ब्रह्मलोक में तब तक रहोगे, बोले जब तक तुम्हारी पुण्य समाप्त नहीं होता, फिर वहाँ से फिर इस जगत में तुम्हें आना पड़ेगा, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर में तुम्हें भटकना पड़ेगा। इसलिए किंतु इसका स्वरूपानुबंध ही स्वरूप सीधा भक्ति से कोई संबंध नहीं,
जीव का जो स्वरूपानुबंधी मतलब है, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यता। यदि इसमें इसमें भगवान को साथ में कोई इसका संबंध है ही नहीं, ये संबंध केवल तुम्हारी आत्मसुख है। जैसे स्वर्ग में जाओगे भगवान का क्या सुख, वहाँ भोग होगे। ब्रह्मलोक में जाओगे, मोहलोक में जाओगे, जनलोक में जाओगे, तुम अपना भोग होगे। इसमें भगवान को साथ में कोई संबंध नहीं। इसलिए बोले भक्ति तीन तरह का भक्ति, एक है संगसिता भक्ति और एक है आरोप सिद्धा भक्ति और एक है स्वरूप सिद्धा भक्ति। भक्ति तीन तरह का है। इसलिए आरोप सिद्धा भक्ति मतलब होता है किस चीज को आरोप करना। जैसे बाग में सब्जी लगाए, सब्जी लगाए बहुत परिश्रम किया है, खेती किया पहले, उसके बाद में तुमने फिर बीज बोए, फिर पानी दिया, पता नहीं कितना दिन के बाद में कोई सब्जी आया। बोले क्या करोगे, बोले इसमें सब्जी होगा ना, इसको लेकर के हम फिर कहाँ पर लगाएंगे, फिर भगवान की सेवा में लगाएंगे। लेकिन पहले जब खेती किया, तुमने बीज बोया, तुम पानी दिया, उस समय में तुम्हारी भगवत स्मरण नहीं, भगवत स्मरण नहीं है, स्मरण नहीं। लास्ट में उसको लेकर के जब भगवान की सेवा में लगाया, सेवा में तो लगा, इसलिए आरोप किया। आरोप मतलब कि सब बिजनेस कोई सोचा कि बहुत बड़ा कोई बिजनेस होगा, ये बिजनेस में जो बहुत सब चीज प्रॉफिट होगी, क्या करेंगे वो पैसा को लेकर हम भगवान की सेवा में लगाए। इसलिए हम आरोप कर रहे हैं ऐसे करेंगे, ऐसे करना, प्लानिंग करके ये फैक्ट्री बनाना, उसके लिए लोग लाना, ये करना, लास्ट में उसको लेकर के भगवान की सेवा में लगा रहे। लेकिन भगवान का साथ में तो सेवा में लग रहा है, लेकिन वो आरोप करके ऐसे ऐसे करते हुए जा करके लास्ट में ऐसे करते आरोप। दूसरा है संगसिता भक्ति। संगसिता भक्ति मतलब है जैसे बताए वैष्णवों का 26 गुण है, 26 गुण है, 26 क्या है, बोले कृपालु बड़े दयालु होते हैं, अकृत द्रोह इसको बड़े द्रोह नहीं करते हैं, अकृत सत्य सार सार वस्तु को ग्रहण करते हैं, सम दम बाहर इंद्रिय अंतर इंद्रियों को दमन करते हैं, निर्दोष उनके अंदर कोई दोष नहीं होता है, इसलिए सत्य सार। इसलिए इस सब जो गुण है वैष्णव लोगों का बताया गया, यदि ये सारे गुण उसको बताया ये अंग, लेकिन उसमें एक गुण है अंगी। अंगी मतलब होता है जिसमें मेन जो गुण है, जिसमें जो मुख्य गुण, 25 गुण तो बाहर का गुण है उनको है, ये बाहर का गुण, लेकिन जो एक जो गुण है ये अंतर का गुण है, क्या है, बोले कृष्ण का शरणम, ये उनकी अंदर का गुण कृष्ण का शरणम, मतलब एकनिष्ठ होकर केवल कृष्ण के चरण में जो शरणागति। अगर तुम्हारे अंदर में कृष्ण का शरणम नहीं, तुम्हारे अंदर में एक कृष्ण, लेकिन तुम बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बड़े परोपकार करते हो, हैं सबको मदद करते हो, बोले कोई गुण का कोई महत्व नहीं, वो गुण का कोई महत्व नहीं, इसका करके वही थोड़े ऊपर लोग भोग करे वही पर संसार में आओगे। लेकिन अगर ये सारे गुण अगर कृष्ण का शरणम, एकनिष्ठ कृष्ण का चरण में जो शरणागति, अगर इसको साथ में अगर ये सारे गुण जुड़ जाए तो फिर ये गुण का साथ, अगर ये सारे गुण इनमें नहीं जुड़ते ना सब बेकार गुण। हमारी दयालुता भी बेकार है, बड़े बड़े राजा हुए, कर्ण दान वीर कर्ण हुए, क्या हुआ, वही कृष्ण से कोई मतलब नहीं था। दान वीर हरिश्चंद्र हुए, लेकिन कृष्ण भक्ति से कोई उनकी मतलब नहीं था, है। इसलिए अगर कृष्ण भक्ति को साथ में कोई चीज जुड़ा हुआ नहीं हो तो सारे गुण तुम्हारे बेकार है, सब बेकार है। इसलिए कहते ये संगसिद्धा, संगसिद्धा मतलब है अगर ये कृपालुता दयालुता अकृतता, अगर संग संग मतलब ये कृष्ण का शरण, अगर इसको साथ में अगर ये सारे गुण जुड़ता है तभी इसकी सार्थकता है, इसको कहते हैं संग सिद्धा भक्ति। और एक होता है स्वरूप सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति उसको कहते हैं जो डायरेक्ट श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पा
सेवनम अर्चनं वंदनम दास्य सत्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत ध्यातन्मने दीपं रूपम। इसलिए महापुरुष को बाह्य क्यों बताए हैं? यदि इसको बाह्य क्यों बताए, बोले कारण ही है, यदि कृष्णार्पण सर्वसाधार जो कुछ कर कृष्ण को अर्पण करो। अर्पण करो मतलब है पहले तुम स्वयं मालिक बन गए, तुम शुभ करने वाले कौन हो? मैं। घर मकान किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। ये बात किसका बने? मैंने बनाया। सब कुछ मेरा, मैंने कर रहा। स्वयं बन गए पहले, अपना स्वयं बन गए मालिक, करने वाला मैं हूँ। हाँ, करने का बात क्या किया तुमने? हाँ, इस जितना समय किया ना, हम भगवान को चरण मालिक तुमने पहले स्वयं बन गया। लेकिन यहाँ पर जो स्वरूप सीधा भक्ति है, कहते पहले संपूर्ण रूप में गुरु जी की शरण में शरण, संपूर्ण रूप में ठाकुर जी की चरण में शरणागत होगा। भले मुख में कौन हो, भले गुरु जी का सेवक हो, भगवान का संतान दास हूँ, हैं इस सब के समय भगवान की सेवक था और मैंने प्रभु जी के चरण में, गुरु जी के चरण में संपूर्ण हम शरणागत हो गए। शरणागत हो गए जैसे एक गैया को आप देखना, इसको आप बेच दो, जो बेच दोगे ना, फिर वो जो मालिक अगर वो खाना खिलाएगा तभी गैया खाना खाएगी, घुमाने के लिए ले जाएगी तब घूमेगा, उनका भी बांध देगी वहीं पर खड़ा रहेगा, है। अभी वो गैया की अपना कोई स्वतंत्रता नहीं रहा, वो जिसको बेच दिया उसका हो गया, है। वो जो कुछ करवाएगा ऐसे करेगा। इसलिए कहते हैं कुछ उसी तरह पहले किया करो, इति पुरुषार पिता विष्णु, पहले भगवान के चरण में संपूर्ण तुम शरणागति, शरणागति होकर के अभी हम भगवान की है। जब भगवान की, अभी भगवान जो करवाएंगे, गुरुदेव जो करवाएंगे वह काम होगा, अपना कोई स्वतंत्रता हमारी नहीं, जो करवाएंगे हम करेंगे। इसलिए यदि जो स्वरूप सिद्धि भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति है, यदि जो डायरेक्ट डायरेक्ट कथा किसका सुन रहे हैं? भगवान। कीर्तन किसका सुन रहे हैं? भगवान। अर्जन किस कर रहे हैं? भगवान की। स्मरण किसको कर रहे हैं? भगवान की। चरण सेवा किस कर रहे हैं? भगवान की। दास्यत्व किसको कर रहे हैं? भगवान की। आत्मदिन वेदन किसको किया है? भगवान की। अभी हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें बीच में कोई चीज़ नहीं आ रही है। आरोप सीधा भक्ति में क्या था, इतना करेंगे बिल्डिंग बिल्डिंग बना करके बिजनेस बिजनेस, लेकिन तुम्हारी सारी एनर्जी वहाँ चले गया। फिर जा करके जब कुछ पैसा कमाएंगे फिर क्या होगा? इसको भगवान की सेवा में लगेगी। वो कहाँ घूम फिर करके करते 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 थोड़ी सी गई भगवान जा, लास्ट में जो अर्पण जाते हैं जाकर उसको जरा सुकृति बनी, उसको जरा केवल इतना भक्ति उनको सुकृति बनती है, लेकिन उसमें डायरेक्ट जो भगवान की भक्ति उसमें नहीं। इसलिए महाप्रभु इसलिए बोले यह बाह्य, बोले ये बाहर है, क्योंकि ये भगवान की स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं, इसलिए उनको बाह्य बताए। तथा कृष्ण प्रीति के उद्देश्य से अनुष्ठित भक्ति अथवा श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति उत्तम भक्ति परज प्रसिद्ध होता है। इसलिए जब कोई चीज भगवान के डायरेक्ट उद्देश्य को लेकर के हम श्रवण कीर्तन आदि करते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्तमा, उसको उत्तम भक्ति होता है। तब भगवत कृपा से उत्तम भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृद्धि विशेष तथा तदा तदात्म प्राप्त करती है। यदि ये जो भक्ति है, यदि ये भगवान की स्वरूप शक्ति की वृद्धि विशेष के साथ तदात्म प्राप्त करती है। यदि भगवान की जो स्वरूप शक्ति कौन है? कहते श्री राधा रानी, इनकी स्वरूप शक्ति। कहते इनकी वृत्ति क्या है? कहते इनकी वृत्ति है कृष्ण सेवा, ही इनकी वृत्ति है इनकी सेवा कृष्ण। तभी जाकर के जो कृष्ण सेवा की वृत्ति में लगता है तभी जाकर के उस चीज की सार्थकता होती है। अनंतर साधक सिद्धि लाभ कर नित्य लीला में जब भगवान की सेवा लाभ करता है तब श्री श्रवण कीर्तन आदि विराम नहीं होता।
कभी जब साधक कभी सिद्धि प्राप्त करके जब नित्य लीला में भगवान की सेवा में प्रवेश कर जाता है, नित्य लीला में ठाकुर की नित्य सेवा में जब नियुक्त हो जाता है, उसमें क्या होता है, उसी समय में भी कहते भगवान की श्रवण कीर्तन स्मरण उसी समय भी बंद नहीं होता है, उस समय भी बंद नहीं होता है। लेकिन जो वर्णाश्रम धर्म पास यही खत्म हो गया, इसमें भगवान से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं खत्म। लेकिन जो श्रवण कीर्तन आदि, जैसे अभी भी हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब हम मुक्त हो जाएंगे फिर क्या करेंगे, मुक्त जब हो जाएंगे फिर क्या करेंगे, फिर यही करो, फिर यही करना और कुछ नहीं करना है। इसलिए प्रभुपाद ने एक बड़ा सुंदर कथा सुनाई, उसका नाम है उपदेश उपाध्याय। कहते जो ज्ञानी लोग है, कहते भैया अभी भी इसी जीवन में भी सारा जीवन कृष्ण का दासत्व करो, भगवान की सेवा उनकी करो, और जब मुक्त हो जाएगी फिर वही करना, फिर वही करना, फिर हम इतना साधन क्यों करेंगे, जब वहाँ जा करके फिर यही करोगे, फिर सारा जीवन ही दासत्व बन करके दास बन कर रहेगी, मालिक नहीं बन पाएंगे। इसलिए भैया हमको ये नहीं चाहिए, हम चाहते हैं जब मुक्त हो जाएगी ना, करते हम ब्रह्मास्मि हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्वमसि, फिर हम तो वही हो जाएंगे, फिर हम ब्रह्म ही हो जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद एक सुंदर सुंदर कथा सुनाए, बोले बोले हैं बोले एक एक बूढ़ी माता जी थी, उसका एक छोटा बेटा था, और एक उन्होंने एक ट्यूशन लगाया था उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर को। जब उसने क्लास वन में जो वो पढ़ रहा था, उसी समय वी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एल एन एस और आ ई ओ क्लास वन में पढ़ रहा था, अभी बच्चा क्लास फाइव में आ गया। तो उसने एक दिन उसने माँ ने आकर के देखा ये टीचर क्या पढ़ा था, 5 साल हो गया, हर महीना महीना मैं उसको पैसा देता हूँ, अभी मेरा बच्चा थोड़ी उसकी पढ़ाई में एडवांस हो गई थी। एक दिन उसने आकर के देखा कि टीचर क्या पढ़ा था, देखा पुस्तक देखा वही ABCD वही लिखा हुआ, उसको तो बड़ा क्रोध आया, बोले तुमको हर महीना महीना में तुमको तनख्वाह देता हूँ, 5 साल पहले जो सुना था ABCD AI अभी भी ABCD पढ़ा रहे हो, हैं भाग यहाँ से, जरूरत नहीं तुम्हारे किसी टीचर, उसने भगा दिया उसको उसने भगा दिया, तो भगा दिया तब उसने तब प्रभुपाद कहते अभी साधन कर रहे हैं, अभी भी वही क्या कर रहे हैं, ठाकुर को सवेरे उठो, तिलक लगाओ, ठाकुर की मंगला आरती करो, तुलसी परिक्रमा करो, ठाकुर का कीर्तन करो, ठाकुर की कथा सुनो, ठाकुर जी की पूजा करो। लेकिन जब फिर हम वही गोलोक वृंदावन जाके फिर क्या करोगे, वही करना, वही करना। कहते भैया यहाँ भी किया वही भी हुआ, वहाँ पर जो प्रभुपाद ने कथा सुनाया हाँ वही AABCD वही तो रहता है, लेकिन जब क्लास फाइव में जाता है ना बच्चा, अक्षर तो वही रहेगा ABCD रहेगी, लेकिन अक्षर वही रहने पर भी उसमें नई नई जो शब्द, नई नई वार्ड, नई नई अलंकार हैं, उसमें शब्द की विन्यास, उसमें भी सुंदर सुंदर उसने भावना ऊँची क्लास का, लेकिन वही ABCD रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कहते उसी तरह अभी जो साधन कर रहे हैं, लेकिन जब हम मुक्त अवस्था में जाएंगे फिर क्या होगा, वही सेवा वही, लेकिन उसी समय हमारी जो भावना रहेगी ना, अभी तो थोड़ी सी हरिनाम कर दीजिए तो जल्दी उठ जाओ, फिर शरीर सूट नहीं करता है, हैं थोड़ी सी हरिनाम करो अपन पत्र करेगी माला, हैं इसलिए थोड़ी सी भगवान की श्रवण कीर्तन करो। अरे अभी तक भी कथा हो रही है, अभी तक खत्म नहीं हो रही, हम लोग ऐसे लगता है ना। लेकिन जब वहाँ पर जाएंगे, जैसे हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख हरिनाम करते हैं, लेकिन उन लोग क्या विरक्ति आती है, क्योंकि जो भगवान जो नाम है ना इनके जीवन में प्रकट हो जाता है, प्रकट होने पर इसलिए जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं कुंडे तांडव भीतर भीतर होते
तुंडावली लब्धये कर्णा क्रडो कडमिनि घटयति कर्णा बुधेव स्वीया चेत प्रांगण संग निरचयते सर्वेन्द्रियाणां कृति न जानि जनित किम् अद्भुत कृष्णे दिवर्णद्वय ब्रज कृष्ण। ये जो दो अक्षर है भगवान उसमें कितना रस भर दिया। जब जीवानुदय होता है लगता है करोड़ों करोड़ों जीवा क्यों नहीं हुआ। कान में प्रवेश करता है तो करोड़ों करोड़ों कान में हृदय में प्रवेश करता है सारे इंद्रियों को तेज कर देता है जैसे रस की धारा बरसती है। ये अवस्था है इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते जब सिद्धि प्राप्त होता है नित्य लीला में वो जो श्रेवा श्रवण कीर्तन आदि करता है वो विराम नहीं होता है खत्म नहीं होता है वही श्रवण कीर्तन करते हैं लेकिन उसमें अद्भुत आनंद अद्भुत आनंद रह गए। प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम प्रतिपद पद में नई 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 उसमें आनंद आता है बल्कि और भी लोभनीय एवं परम आस्वादनीय बन जाता है। लोभ एवं आस्वादन भक्त तथा भगवान दोनों के ही पक्ष में है। भक्त और भगवान दोनों की आनंद की अनुभूति होती है उसमें भक्तों को भी आनंद होता है और उसको साथ साथ में भगवान को भी आनंद मिलता है। भक्त भी आनंद पाता है भगवान भी भक्तों का जो प्रेम रस का आस्वादन करते हुए भगवान को भी आनंद मिलता है। जैसे देखो जैसे कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते 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 सखाओं के साथ में खेलते हैं कूदते हैं फल खाते हैं पानी में छलांग लगाते हैं कभी कंधे में बैठाते बैठाते दोनों का आनंद हो रहा है। भगवान भी प्रसन्न होते भक्तों को कंधे पर लेकर के भक्त भी भगवान को कंधे पर लेकर आनंद होता है। वहाँ पर मैं कृष्ण को भी आनंद मिलता है मैया जसोदा को अगर इसलिए मैया जसोदा को दोनों को जो गोपियों को साथ में रास करते हैं कृष्ण को भी आनंद मिलता है और भक्तों को तो दोनों को वो आनंद दोनों को ही प्राप्त होता है। इसलिए मुक्त महापुरुष इसी की आकांक्षा करते हैं यही उनकी चरमतम काम्य एवं चरमतम साध्य वस्तु है। मुक्त महापुरुष यही वस्तु प्रार्थना करते हैं उनका जीवन का लक्ष्य केवल यही उनकी जीवन जीवन का लक्ष्य होता है। यहाँ कर्म से वे कर्म अभिप्रेत है जो स्मृतिया इसलिए यहाँ पर गीता का श्लोक को उन्होंने उदाहरण दिया है यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोक एवं कर्म बंधन तदर्थ कर्म पौते मुक्त संग समाचार। इसका मतलब है अगर जो कोई काम तुम कर रहे हो अगर भगवान के लिए वो कर्म नहीं हो रहा है भगवान के लिए नहीं हो रहा है तो केवल इस दुनिया में बंधन का ही तुम्हें प्राप्त होगा केवल बंधन का। इसलिए ब्रह्मा जी कहते बोले प्रभु तब तक ये संसार माया है तब तक जब तक तेरे लिए ये नहीं करते हैं तेरे साथ में जब तक ये संबंध नहीं जुड़ता तब तक ये सबके सब बंधन नहीं तुम्हारे साथ में जो जुड़ जाए सबके सब मुक्त है। यहाँ पर गुरुदेव बहुत बहुत उन श्लोक कोटेशन किया है महाप्रभु ने इसको बाह्य क्यों बताया ये सब चीज को उन्होंने बाह्य क्यों बताया इसलिए बाह्य बताया इसलिए यहाँ पर कहते हैं अपनी देह बुद्धि इंद्रिय वाक चित्त धर्म काम अर्थ ये समस्त कर्म कुछ भी अपना नहीं रह जाता। कहते हैं कि भक्त का है जो भक्त का भावना है क्या भावना है मैं प्रभु का दास और उसमें अपना कुछ नहीं रह जाता अपना शरीर भी नहीं रह जाता बुद्धि भी नहीं रह जाता इंद्रिय भी रह जाता उसको बाघ चित्त धर्म काम ये सब कुछ क्या नहीं रहता ये सब कुछ गुरु जी की और ये सब कुछ भगवान का है ये गुरु जी का और ये सब कुछ भगवान का है। इसलिए वो कभी नहीं कहता है मैं तपस्या करता हूँ वो कभी नहीं कहता मैं भक्ति करता हूँ उसमें अपना कर्तृत्व तो अभिमान नहीं रहता है। जो कुछ कर रहे हैं गुरु जी के आशीर्वाद से हम बोलते ना हम क्या कर सकते हम तो कुछ कर ही नहीं सकते
जो कुछ होता है गुरु जी ठाकुर को कृपा से ये सारे काम हो रहा है, हम क्या कर सकते उसकी भावना। इसलिए इसलिए भक्ति का जो प्रथम स्तर है वो आत्मसमर्पण। लेकिन जो जत करो से जत स्नासी उसमें जो बताया कहते पहले उसने अपना अभिमान, करने वाला मैं हूँ, कर रहा हूँ मैं हूँ, इसलिए करके फिर वो चीज़ को वो अर्पण करता है। इसलिए महाप्रभु बोले ये बाह्य है, ये बाह्य है। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं विष्णु की आराधना करने से जब हमारे मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं तो हमें ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न है। यहाँ पर कहते जब भगवान की उपासना करते हैं हम कहते ठाकुर जी हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, ठाकुर जी हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, ठाकुर जी ये इच्छा हमारे हो जाए, इसलिए हम करते हैं। लेकिन जब ये हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाता है ना, लेकिन हम क्या कहते हैं हमारी भगवान के प्रति भक्ति हो रही, भगवान के प्रति हमारी भक्ति हो रही है, विष्णु हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी इच्छा ठाकुर ने पूरी कर दी, हमें दुकान मकान घर बेटा बेटी ठाकुर ने हमें दे दिया। लेकिन ये यथार्थ यह बात नहीं कि इसको भक्ति यथार्थ भक्ति इसको नहीं करते। इसलिए महाप्रभु इसको क्या बताए कि ये बाह्य है। इसी प्रकार आराधना से भगवान स्वाभाविक रूप में नहीं ऊपर से ही भक्तों की प्रसन्नता के लिए प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भगवान को हम प्रसन्नता कह रहे हैं भगवान संपूर्ण रूप में इसमें प्रसन्नता भगवान की नहीं। इसलिए कभी कभी जो मांगने वाले हैं बड़ी इच्छा पूरी कर देते हैं, इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन भगवान हृदय की भावना ये नहीं। भगवान कहते आराधक कहते आराधक पृथ्वी स्वर्ग आदि का अपना कुछ कुटुंब मान लेते हैं जिसके स्वर्ग सीधा भक्ति से कोई संबंध नहीं। इसलिए कहती इसको द्वारा क्या होता है कहते ये इसमें स्वर्ग सीधा भक्ति को साथ में से कोई संबंध नहीं। कहते वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए कोई अपनी तपस्या को, कोई पिता को और कोई अपनी माता को ही अपना सर्वस्व मान लेता है। कहते जो वर्णाश्रम धर्म को जो जाजन करते हैं उसमें दोष क्या है, कहते वर्ण आश्रम धर्म को जो पालन करते उसमें दोष क्या है, कहते दोष उसमें ये है कोई अपना तपस्या को, कोई अपना पिताजी को, कोई अपना माताजी को, कोई अपना भाई को, क्यों वर्ण आश्रम धर्म को पालन कर रहे हैं ना, उस समय में भगवान को मुख्य नहीं करके इन लोगों को ही मुक्त कर देते हैं। पिता पिता ही या पिता स्वर्ग पिता माता या ना क्या, इसलिए पिता माता ही सब कुछ हमारी है, पिता स्वर्ग इसलिए हमारे पिता ही सर्व माता ही सर्वस्व है। इसमें फिर भगवान के साथ में सब ही संबंध नहीं रहता है। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाए कहते एक ब्राह्मण एक वृक्ष को नीचे तपस्या कर रहा था, उसको वृक्ष के ऊपर में एक कबूतर का के घोंसला थी, इतने में वो कबूतर ने बीट कर दिया, बीट कर दिया तो व्यक्ति के ऊपर में गिर गया जो तपस्या कर रहा था। उसने बोले मेरे ऊपर किसने बीट किया है, उसने क्या किया एक क्रोधित होकर उसने ऊपर देखा, देखा तो उसके अंदर जो तपस्या कर रहा था तपस्या की शक्ति थी, इतने में जब उसने ऊपर में देखा उसकी देखते ही जो पक्षी थी ना चिड़िया वो जल करके राख हो गई, राख हो गया, उसको मन में बड़ा अभिमान हुआ। तो देखो मैंने मेरी तपस्या इतनी बड़ी तपस्या है, मैंने जब वो कबूतर का देखा कबूतर ने अपना प्राण छोड़ दिया तो मेरे को सिद्धि हो गई, हम तो बहुत बड़े साधु हो गए हैं, कहते अभिमान हो जाता है। लेकिन इसमें भगवान को प्रसन्नता से कोई मतलब नहीं, इसमें भगवान की कोई सुख नहीं है, है? इसलिए कहते भक्तों के उनको वांछित पदार्थ पूर्ण कर उनसे अनासक्त ही रहते हैं जो साधक कृष्ण प्रसाद संपन्न उत्तम भक्ति करते हैं, न तो कुछ चाहते हैं न तो कृष्ण को पास में देने योग्य कुछ रह जाता है, स्वयं ही उनके हाथ बिक जाते हैं। इसलिए लेकिन भगवान की जो शुद्ध भक्ति करने वाले ऐसे जो भक्त होते हैं कितना न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवता भक्ति अति।
चीज की हमें जरूरत नहीं, केवल तद हमारे जन्म जन्मांतर में आपका चरण हमारी अहेतु की भक्ति हो, अहेतु की भक्ति। लेकिन दुनिया कैसे है, इतना चमत्कार को नमस्कार, अगर कोई पानी के ऊपर अगर चल गया आभारी, पानी के ऊपर चल जाता है। एक व्यक्ति 12 साल तक तपस्या किया, तपस्या कर गांव में आया, एक व्यक्ति ने पूछा भैया तुमने 12 साल तक क्या सीखा, बोले मैं पानी में पानी के ऊपर चल सकता हूँ, बोले तुम्हें 2 पैसा दे कर तो पानी के ऊपर पार हो जाता हूँ नाव से, बोले 2 पैसा दे कर मैं पानी के ऊपर पार हो जाता हूँ, और तुम 12 साल में तपस्या करके और तुम केवल पानी के ऊपर चलना ही तुमने सीखा है, हैं? पानी के ऊपर चलना ही सीखा। इसलिए ये दुनिया ऐसे है ना, हैं? वो कुछ प्रभु जी बता रहे थे ना, तब रावण क्या नहीं कर सकता, आकाश में घूम जाता था, जैसे चाहे वैसे ही रूप बदला देता था, हैं? तब अगर यहाँ पर अब कोई व्यक्ति जैसे चाहे रूप बदला दे, आकाश में उड़ जाए, हैं? आकाश में उड़ते कितना बड़ी बात है, लेकिन ये सब राक्षसों के पास में भी विद्या, राक्षसों के पास में भी विद्या होती है। इसलिए ये चीज को इतना महत्व नहीं दिया, महत्व दिया है भगवान की भक्ति कितने करते हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कितना कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तद वर्ण और आश्रम धर्म जादिन करने से क्या होता है, भगवान की थोड़ी मोड़ी उनका प्रसन्नता, ज्यादा कोई प्रसन्नता नहीं, थोड़ी मोड़ी प्रसन्नता होती है, उसमें कोई भगवान की सेवा नहीं। पिछले से प्रभुपाद कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म का आचरण करने से प्राप्त की गई उपलब्धियाँ अस्मिता से प्राप्त दैहिक होती है। इसलिए उसको द्वारा जो जो प्राप्त होता है उसको क्या प्राप्त हो, कि शरीर का जो मैं मेरा जो बुद्धि है, हैं? इसलिए वो थोड़ी सी उपलब्धि कुछ होती है और कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका फल क्या है, कहते हैं ब्रह्मांड के अंदर में ही तुम भ्रमण करते हो, ये ब्रह्मांड से बाहर तुम जा नहीं सकते हो। इसलिए महाप्रभु ने इसकी जो अनुभूति को उन्होंने बाहर बताया, ये बाहर है, हैं? तो भगवान की इसमें कोई प्रसन्नता नहीं। तो उसको बाद में जो उन्होंने पूछा इसको आगे कहो, उसको बाद में क्या बोले, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ देते हो, सबके सब क्या करो, तब ये सब के सब भगवान को अर्पण कर दो, भगवान को अर्पण कर दो। जब उन्होंने ये बात बताई तब उन्होंने भी बोल दिया कि ये बाह्य है, उन्होंने बोल दिया ये भी बाह्य है, बोले उनको क्यों बाह्य बोले, इसका कारण बता रहे हैं। हाँ, जब जो कुछ करो कर रहे हो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो, तब अर्पण कर दो, बोले बाह्य क्यों। तो यहाँ श्री प्रभुपाद इसको विषय में कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने बाह्य बताए, हैं जो बाह्य इसलिए उन्होंने बताए, दो कारण बताए, एक तो पहला बुद्धि हो गया करने वाला मैं, मालिक मैं, जहाँ पर मैं मेरा से तेरी ये माया है, हैं? ये माया है, ये शुद्ध भक्ति नहीं, इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते, शुद्ध भक्ति है हम गुरु जी का दास है, भगवान का दास है, हम भगवान की सेवक है। इसलिए हम जो भगवान की दास सेवक है, हमारा सब कुछ कर्तव्य भगवान के लिए करना, उसकी ये शरणागति बात, लेकिन इसमें शरणागति नहीं करने वाला मैं हूँ, बनाया मैंने, किया सब कुछ और उसको लेकर के भगवान को चरण में अर्पण कर दिया, यहाँ पर अभिमान आ गया। इसलिए महाप्रभु ने बताया ये तुम्हारी मैं और मेरा की अभिमान है, इसलिए ये बाहर है। उसके बाद में तत्पुरुषम मदर्पणम, तो वो सब चीज़ को किसको अर्पण करो, भगवान को अर्पण करो। जब भगवान को अर्पण करो तो इसमें दोष क्या है, फिर इसकी आराधना में विष्णु की स्वतंत्रता विशेष भी निर्दिष्ट नहीं होता, निर्विशेष सविशेष ज्ञानी कर्मी सब ऐसे ही प्राकृत उद्देश्य में विष्णु की आराधना अनुष्ठान करने लग जाते हैं। तो इसको करने वाले कौन है, तो जो निर्विशेष ब्रह्म को जो उपासना करते हैं वो भी ऐसे सब कुछ करके भगवान को अर्पण करता हूँ, और जो ज्ञानी है, जो कर्मी है,
हाँ जो सभी शेष है ये सबके सब हैं अनुष्ठान करके कहते हैं हम सबके सब भगवान को हम लोगों ने अर्पण किया। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इसी प्रकार सामान्य वर्णाश्रम धर्म की अपेक्षा कर्म का कृष्णार्पण करना ही समस्त साध्य का सार है। यदि यहाँ पर निर्विशेष तत्ववादी सभी शेष कर्म उद्देश्य में लगे रहते हैं, इसलिए यहाँ पर के बाहर से भक्ति दिखने पर भी यथार्थ भक्ति नहीं करते हैं। यदि इसको निर्विशेष कर्मी योगी ज्ञानी ये लोग भी कहते हैं हम सब कुछ करके हम भगवान को अर्पण करते हैं, ये अर्पण किसको करते हो, इसको अर्पण करते हो किसको करते हो, ये अर्पण कहते निर्विशेष ब्रह्म को भी कर सकते हो, तुम सभी से ब्रह्म को भी कर सकते हो है। इसलिए अभी किसी को तुम अर्पण करते हो उसमें कोई स्थिर नहीं होता है तुम किसको कर रहे हो, एक तो दोष तो मैं मेरा, दूसरा है तुम किसके लिए कर रहे हो, कभी कोई स्थिर नहीं। इसलिए महाप्रभु ने इसको बताया किया है, उसको उन्होंने बाह्य बता दिया, ये भी बाह्याकार है। जैसे यहाँ पर कहते हैं जैसे अस्पताल बनवाया, धर्मशाला तुमने बनवाया, कुआ तुमने खुदवाया, करके तुमने क्या बोले ठाकुर जी हमने जो कुछ कर दिया ना ये तेरे को मैं अर्पण कर रहा हूँ, हाँ तेरे को मैं सब कुछ कृष्ण अर्पण कर रहा हूँ। इसलिए इसको कहते इसमें आत्मा संबंधी व भगवत प्रेम संबंधी इसमें कोई भगवान को साथ में कोई संबंध तुम्हारी नहीं, इसलिए अनर्थ रहित तो भजन नहीं हो पाता। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इसके लिए कहते हैं न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम कील कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिह तनु। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं भैया भक्त लोग धर्म भी नहीं करते हैं, भक्त लोग अधर्म भी नहीं करते, क्यों, ये धर्म भी बंधन का कारण है और अधर्म भी बंधन का कारण है, ये दोनों ही बंधन का कारण है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे, उदाहरण देते थे गुरुदेव, कभी कभी इसी जगत में जो धर्म है ना कभी कभी अधर्म भी हो जाता है। जैसे भागवत में नृग महाराज उन्होंने दान दिया, गैया को दान दिया, पृथ्वी का धूल को कोई गिन सकता है, बारिश का बूंद को कोई गिन सकता है, लेकिन उनका दान पृथ्वी नहीं सकता। लेकिन ये जगत का जो दान है, जो दान एक ब्राह्मण को दिया उसको दूसरों को दे दिया, दोनों बिगड़ गए, अभिशाप दे करके जाओ गिरगिट बन, गिरगिट बन गई। अब गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति ने हॉस्पिटल खोल दिया, एक व्यक्ति कहीं चोरी करने के लिए गया तो पकड़ा गया, उसका हाथ भी तोड़ फोड़ दी और उसने देखा था कौन कौन मेरे को मार रहे, अब उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया, जब सही हो गया ना उसने देखा था अमुक अमुक व्यक्ति हमें मारा था, हमने बंदूक लेकर गया पूरा परिवार को, तब तो गुरु जी कहते थे अभी बताओ ये पाप को कौन करेगा, पाप को कौन ग्रहण करेगा, बोले उसको भी थोड़ा लेना पड़ेगा, किसको, इसने हॉस्पिटल बनाया। गुरुदेव बोले थे तुमने आई हॉस्पिटल बोला, इसमें ऑपरेशन होता है, पहले कम दिखता था अभी तुम्हें बढ़िया दिखता, दिन भर गंदी गंदी पिक्चर देख रहा है, मूवी देख रहा है, दिन भर सुबह आज सही हो गया तो गंदी गंदी पिक्चर देखता है, बोले इसको पाप कौन लेगा, कहते उससे भी कुछ थोड़ा लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल भी लाल लेना पड़ेगा। इसलिए कहते जगत का जो धर्म है ना ये धर्म भी गड़बड़ी है, धर्म करोगे जगत में दुखी दरिद्र को मदद करोगे, हैं मदद करोगे। अभी एक साधु बोल रहे थे, एक समय एक नाव में पार हुए थे कुछ साधु लोग, उसमें के सेठ था, उसने सब साधुओं को एक एक रुपया दिया, उसने एक रुपया भी दिया वो केवट को भी एक रुपया दिया। अभी साधु लोग तो उसमें ठाकुर के लिए फल मूल खरीद दिया, ठाकुर को भोग लगाया, लेकिन केवट ने एक कांटा पकड़ा जो मछली पकड़ने वाले तो पकड़ा, एक कांटा खरीद दिया और 1000 मछली को मारा, ले पाप कौन लेगा, तो सेठ को लेना। इसलिए कहते जगत का धर्म और अधर्म तो गड़बड़ी है ही। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते देखो जो श्रुति में जो बताया गया ना है ये धर्म करो अधर्म करो दोनों को छोड़ो, ना धर्मम ना अधर्मम, फिर क्या करो, एक ही काम करो
ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मियतनु, ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करो। इसमें कोई दोष नहीं लिखता है, इसमें कोई जैसे दुखी दरिद्र को खाना खिलाओ, लेकिन डायरेक्ट कोई चीज़ खाना मत खिलाओ, तो गड़बड़ी है। इसलिए भगवान को पहले भोग लगाओ, भोग लगाकर प्रसाद क्या करो, उनको वितरण करो, फिर उनका भी कल्याण, देने वाले भी कल्याण, दोनों का कल्याण। इसलिए दान करते समय बड़े सोच विचार करके दान पुण्य करनी चाहिए, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी होती है। इसलिए महाप्रभु, इसलिए मदर्पण शब्द से जड़ निर्विशेष का खंडन कर स्वतंत्र सभी से की बात कही जाती है, इससे निष्काम कर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति कही जाती है। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, जो लोग ज्ञान कर्मादि त्याग नहीं कर सकते हैं, जो अनन्य भक्ति के अधिकारी नहीं है और निकृष्ट सकाम भक्ति में भी जिनकी रुचि नहीं है, उन उन लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने उक्त श्लोकों को तो भगवत अर्पित भक्ति का साधन बतलाया। कभी जो जत करो सी जत सुनासी जत जोश ददास जत, कभी ये श्लोक किसी के लिए है, कभी ये श्लोक शुद्ध भक्ति के लिए नहीं है, शुद्ध भक्तों के लिए काम नहीं है। हाँ, जो जिसको ज्ञान में कर्म में रुचि है, हैं, जो रुचि है उनके लिए ये बात बता दिया, भैया जो कुछ करते हो क्या करो, भगवान को अर्पण कर दो, ये विश्वनाथ चक्र जी बात कहते हैं। इसलिए अर्पण करना यहाँ पर बोले जो तत्पुरुष मदर्पण, जो कुछ करते हो भगवान को अर्पण करो, इसका भावना क्या, कहते हम जो कुछ किया मैंने किया और जो अर्पण किया उसका क्या होगा, इसका जो फल है मेरे को मिले, इसका फल मुझको प्राप्त होगा। अगर उसको फल प्राप्त होगा तो क्या करोगे, हम भोग करेंगे, विषय भोग करेंगे। इसलिए भगवान ने बोले भैया ये भी बाज्य है, और क्या करो, इसको ऊपर की बात बताओ तो बताइए। तो उन्होंने राय कहे, स्वधर्म त्याग कई साध्य सार, इसमें कहते हैं अपना स्वधर्म को त्याग दो, कहते ये साध्य सार है। कहते जो यहाँ स्वधर्म त्याग की बात बताया है, कहते स्वधर्म मतलब है वर्ण और आश्रम, ये स्वधर्म, जीव का असली स्वधर्म क्या है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का यही स्वधर्म। लेकिन यहाँ पर जो स्वधर्म त्याग की बात बताई, कभी ये वर्ण और आश्रम की जो धर्म को इसका इसको भी त्याग करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसलिए महाप्रभु ने जो यहाँ पर बताया, तावत कर्माणि कुरुपित न निवृत्त जावता मत कथा श्रवणा तो श्रद्धा जावत न जायती, बोले कब तक जीव ये संसार में कर्म करता है, कब तक जीव कर्म करता है, बोले तब तक जीव को इस संसार में कर्म करना पड़ता है, तब तक संसार से जीव को निर्वृत्त प्राप्त नहीं होता है। बोले कब तक, बोले मत कथा श्रवणा दो श्राधा जब होना जाए, जब तक जीव को मेरी कथा में रुचि नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होता है, तब तक जीव को ये कर्म करना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। इसका मतलब है अगर भगवान की कथा में किसकी रुचि होगी ना, भगवत भक्ति में किसकी रुचि होगी, अगर समझना जीवन। इसलिए धर्म सुनुष्ठित पुंसान विश्व से कथा सुच न उत्पात है तो जल्दी गति श्रमत है वही, मतलब है दूसरे दूसरे धर्म को अच्छे तरह से याद नहीं करता है, लेकिन उनको भगवान की कथा सुनने के लिए रुचि नहीं है, रुचि नहीं, कभी सब उसका श्रमत है वही, तो बोले श्रम ही श्रम, तो परिश्रम परिश्रम। इसलिए अगर भगवत कथा में किसको रुचि होगी ना, तभी भक्ति की सबसे बड़ा लगता है। अब यहाँ पर देखो जो लोग कथा अगर सुनते हैं तुम्हारे पास, कोई लोग भी हरिनाम कर रहे हैं, कोई लोग भी भजन कर रहे हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, और जो कथा सुनने नहीं आते वो नहीं कर रहे, उनको भक्ति में कोई रुचि नहीं। इसलिए बोले भगवत कथा में, भगवत कथा में रुचि होनी चाहिए। इसलिए जब उन्होंने ये बात को बताया ना, महापुरुष जी को भी उन्होंने बोल दिया ये भी बाह्य है, ये भी बाह्य बोल दिया, जब बाह्य बोल दिया
है उन्होंने बताए राय को एक ज्ञान मिश्रा भक्ति सात रसा है। तो ज्ञान मिश्रा जो भक्ति है कहीं यही साध्यता सार है। अभी उन्होंने साध्य सार इसको क्यों बताए जिसको हम कल सुनेंगे, जिसको हम कब कल सुनेंगे ये साध्य सार। ठीक है तो करना पढ़ा।